पंजाब में लोक इंसाफ पार्टी के बटाला के नेताओं ने सिटी पुलिस स्टेशन बटाला में गिरफ्तारी देने का हाई प्रोफाइल ड्रामा किया। मामले को लेकर लोक इंसाफ पार्टी के हल्का इंचार्ज विजय त्रिहन का कहना था कि हम पर पुलिस ने केस दर्ज किया था और हम गिरफ्तारी देने आए थे, लेकिन पुलिस हमें गिरफ्तार नहीं कर रही है और अब हम अपनी जमानतें करवाएंगे और लोगों के हक के लिए लड़ते रहेंगे। वहीं थाना सिटी केस प्रभारी सुखविंदर सिंह का कहना था कि लोक इंसाफ पार्टी के लोकल नेताओं की तरफ से 2 दिन पहले गांधी चौक में लगाए गए धरने की कोई परमिशन नहीं थी और उस धरने की वजह से भारी तादाद में लोगों को परेशानी हुई थी, इसलिए कानून तोड़ने की वजह से तहसीलदार के हुक्मों पर 17 लोगों पर केस दर्ज किया गया था। रोड रोकू 283 188 डीसी साहब हुक्मों की लंघना करनी, 341 लोगों को रोकना, जिहड़ा इन्हां दे खिलाफ परचा दर्ज किया गया। ये अज अरैसट पवाउण वास्ते थाने विच आए ने, वेलेवाल फैंस आ, जे ते सानू कोई अपने जमानती पेश करनगे बर जमानत रिहा किया जाएगा, जे नहीं पेश करनगे तो इलाका मजिस्ट्रेट साहब से पेश करांगे, जां इन्हां नूं कोई नोटिस देवांगे। इस तरह भी कई लोग जमानत करावांगे, जमानत क्यों नहीं करवाऊंगी, ਜੇ ਜਮਾਨਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋਣੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪਰਚਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਚੌਂਕ 'ਚ, ਅਤੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ? ਲਿਖਤੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕੋਈ? ਪ੍ਰੈਸ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੈਸ ਵੀਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਕਸ਼ਕ ਨੇ।